चल बेटा अंदर बैठ। बोल जगावर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बोल मुझे नहीं बोल जगावर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम जगावर कहाँ है? नहीं मालूम। बोल 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 जगावर कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। बताता हूँ बताता हूँ, वो बॉम्बे गए हैं। मुझे कोई काम दीजिए, मेरा बच्चा भूखा है। अरे भूखा है तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा, कहीं और जाकर काम ढूंढो। मेरी ओ न जाने कहाँ से चले आते हैं भीख मंगे। ले लो जाओ। भाई साहब मुझे भीख नहीं, मुझे इज्जत की रोटी चाहिए। मेरा बच्चा भूखा है, आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ करो मुझे। दिन खाना नहीं मिले तो क्या मर जाएगा तू? माँ मुझे भूख लगी है। बेटी भीख के पैसे से भूख नहीं मिटाते। अब मैं कभी खाना नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। हाँ बेटे मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी मेरे लाल। ये रहे आपके मंगलसूत्र का पैसे और ये रही आपके गिरवी की रसीद। भाई साहब देर हो जाए तो इसे बेचेगा नहीं। नहीं नहीं हम क्यों बेचेंगे, जितना समय बढ़ेगा उतना ब्याज बढ़ेगा बहन जी। हमारे यहाँ तो बाप दादा के जमाने से जेवरात गिरवी पड़े हुए हैं। चल बेटा। बहन जी, जी जब आप ये मंगलसूत्र लेने आए तो रसीद जरूर ले आइएगा। अच्छा ठीक है ये रख। सर इंस्पेक्टर माथुर बॉम्बे आ गया है, उसने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी है और आपकी तस्वीर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब जगह लगा दी है। अब मुझे लगता है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। बेवकूफ, इसीलिए तो हमने अपने चेहरे पर नया चेहरा लगाया है। माथुर हमें नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर माथुर, तुम्हें जगावर की तलाश है ना? तुम कौन बोल रहे हो? जगावर तुम्हारे डर से आज ही ये शहर छोड़कर पूना जा रहा है। और हाँ उसके कार का नंबर है MMF 783। Thank you.
जगावर, तूने मेरे बीवी बच्चे को जिंदा जला डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल। माथुर, तुझे फोन करके इस सुनसान जगह पर मैंने ही बुलाया है ताकि तुझे भी तेरे बीवी बच्चे के पास। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरी गलती हो गई, मुझे मत मारो। तुझे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। जगावर, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। बस दो बोतल खून बहुत हो गया शारदा बहन। मैं पिछले कई रोज से देख रहा हूं कि तुम अपना खून बेच बेच कर अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही हो। तुम आखिर कोई और काम क्यों नहीं कर लेती? क्या काम करूं डॉक्टर? इज्जत बेचूं? इज्जत बेचने से तो अच्छा है खून बेचना, और फिर जिसके लिए खून बेच रही हूं ना, वो भी तो अपना ही खून है। मैं सब समझता हूं बहन, लेकिन अब तुम्हारे लिए एक बूंद खून बेचना भी तुम्हारी जान को खतरा पैदा कर सकता है। हर चीज की हद होती है, आखिर कब तक चलेगा ये? ये चिट ले लो और बाहर काउंटर से पैसे ले लो। डॉक्टर धवन, हमारे ब्लड बैंक में आरएच नेगेटिव का ब्लड नहीं है और 12 नंबर के पेशेंट को ब्लड की सख्त जरूरत है। ओह माय गॉड, अरे हाँ, इट्स हियर। अभी अभी जो लेडी खून देकर गई है, सेम ग्रुप तो है। टेक इट प्लीज, हरी अप। शारदा बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे नोट गिरा दिए? लो संभालो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखो। शंकर बेटी, खाना।
देख रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, तू खाना खा। ये ले बेटा, ले। बेटा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। मौसी तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। शंकर बेटा, शंकर। लीला जल्दी पानी लेके आ। जब से आई है बेचारी बोलती ही नहीं, चुप चुप रहती है, बच्चा भी अंदर पड़ा रहता है, खेलता भी नहीं। कुछ घबरना नहीं बच्ची, तू अच्छी हो जाएगी, भगवान तुझे अच्छा करेगा। पानी पी ले, पानी पी ले। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। अरे शारदा बहन, तुम? आप मेरी माँ को जानते हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छी तरह बेटा, ये अक्सर हमारे हॉस्पिटल में आया करती है। मैं फिलहाल इंजेक्शन दिया देता हूँ, तुम इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले आओ। आपके हॉस्पिटल में क्या करने आती थी? अपना खून बेचने मेरे बच्चे, ताकि अपने बेटे का पेट पाल सके। मेरी माँ खून बेचती रही? तुम्हारी माँ ने बहुत कुर्बानी की है, बहुत बड़ी कुर्बानी। माँ तू मेरे लिए खून बेचती रही? तू तो कहते थे मैं काम पे जाती हूँ। बोल तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? बोल बोल तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा बेटा वादा करो, बेटा वादा करो, जहां तक हो सके दूसरों की भूख मिटाना और किसी की रोटी पर टाका डालने वाले को कभी नहीं छोड़ना बेटा, कभी नहीं छोड़ना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा, वादा करो बेटा, वादा करो। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। बस बेटा बस, चल आजा मेरे साथ, चल बेटा, भगवान को यही मंजूर था। मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। आजा मेरे साथ, आजा मेरे